अब आपको खोए हुए सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन, गैलेक्सी वॉच, टैबलेट या ईयरबड्स को ढूंढने में आसानी होगी। कंपनी ने स्मार्टथिंग्स फाइंड नाम के ऐप को रिलीज किया है। इस ऐप की खास बात है कि यह बिना इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल नेटवर्क खोए हुए सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस को ढूंढने में मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कि सैमसंग की यह नई सर्विस स्मार्टथिंग्स फाइंड कैसे काम करती है। इस ऐप का इस्तेमाल एंड्रॉइड 8 या उससे ऊपर के ओएस वाले स्मार्टफोन या टैबलेट में किया जा सकता है। इसके अलावा ये उन गैलेक्सी वॉचेस के साथ भी कंपैटिबल है जो टाइजन 5.5 या उसके बाद के ओएस पर काम करते हैं। वहीं गैलेक्सी बर्ड्स प्लस और गैलेक्सी बर्ड्स लाइव को इस फीचर के लिए ओएस अपडेट मिलना शुरू हो चुका है। सैमसंग के ब्लॉग पर दी गई जानकारी के अनुसार कोरिया में 6 मिलियन लोगों ने स्मार्टथिंग्स फाइंड सर्विस के लिए साइन अप किया है। इसके अलावा यूएस और यूके में भी इस सर्विस के अर्ली एक्सेस के लिए लोगों ने साइन अप किया है। कंपनी ने बताया कि स्मार्टथिंग्स फाइंड सर्विस की मदद से ऑफलाइन डिवाइस को ढूंढा जा सकता है। किसी भी डिवाइस के 30 मिनट तक ऑफलाइन रहने के बाद उसमें से BLE सिग्नल निकलने लगते हैं, जिसे दूसरे डिवाइस रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद यूजर स्मार्टथिंग्स फाइंड ऐप उस सिग्नल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे खोए हुए डिवाइस को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्मार्टथिंग्स फाइंड सर्विस का इस्तेमाल करने वाला कोई भी नजदीकी गैलेक्सी डिवाइस सैमसंग सर्वर को लोकेशन के बारे में बताता है और उसके बाद यह जानकारी यूजर तक पहुंचती है। डिवाइस के नजदीक पहुंचने के बाद आप चाहें तो उसे रिंग करा सकते हैं या फिर उसे AR बेस्ड सर्च के जरिए भी ढूंढ सकते हैं। इस ऐप की अवेलेबिलिटी की बात करें तो यूजर्स के लिए इसे रोल आउट कर दिया गया है और यूजर्स इस सर्विस का इस्तेमाल स्मार्टथिंग्स ऐप के नीचे दिए गए बैनर पर क्लिक करके कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या है प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।